हेलो फ्रेंड, द किल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमारा सिलसिला चालू है कि जो भी करंट थ्री मूवीज पे हमारा रिएक्शन दे रहे हैं, उनमें से एक एक सॉन्ग हम पिक कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। बद्री का और पोकरी मूवी से हम पहले ही सॉन्ग पे अपना रिएक्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों, अब रेसगुर्रम मूवी से एक सॉन्ग पकड़ना था। मैं जितना सुना हूँ इसमें कपल ऑफ अच्छी अच्छा बहुत मासी पॉपुलर सॉन्ग्स है, बट हमारे एक बहुत ही लाइक सब्सक्राइबर जो बहुत ही लॉयल है एंड बहुत ही पुराने हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमको ये रिकमेंड किया कि ये एक सॉन्ग सुनने से हमको फायदा है कि हमको स्टोरी, हाँ, देश जैसे भी देखे इसके बाद का जो भी सीन्स है हमको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले हम जो देखे हैं एंड शायद इसके बाद जो देखने वाले हैं कॉमेडी सीन्स या जो भी सीन्स, ये शायद सॉन्ग हमको टच है एंड जितना उन्होंने बताया कि ये मूवी को फॉरवर्ड लेके जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है जानने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो सॉन्ग है रेसगुर्रम मूवी से, उसका नाम है स्वीटी स्वीटी। तो ऐसा देख के लग रहा है कि अल्लू अर्जुन, श्रुति हसन हमको देखने मिलने वाले हैं। एंड ये भी मेरे लिए सरप्राइजिंग है, मुझे नहीं मालूम था कि इसका म्यूजिक थम्मन सर ने दिया है। आजकल हम थम्मन सर को बहुत सुन रहे हैं, लेटेस्ट आई गेस उनका जो हम सुने थे वो वकील साहब से ही था, सत्यमेव जयते। अब आचार्य का नहीं, मनीष शर्मा जी शायद फिर से दे रहे हैं वो। तो दोस्तों, थम्मन सर का बहुत सुन रहे हैं हमको, उनका बीजीएम जो देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, अलग बहुत अच्छा हमको देते, एक ऐसा याद रखने वाला देते हैं वो। तो दोस्तों, ये देरी नहीं करते हैं, रेसगुर्रम मूवी से ये जो स्वीटी स्वीटी सॉन्ग है वो सुनते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, I wanna stay here. Oh, 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 oh.
जो भी अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर है वो फाइनली लाइक सक्सेसफुल रहा, श्रुति हासन स्पंदन में स्पंदन लेके आने के लिए सक्सेसफुल रहा. अच्छा था सीन ये ला भी बहुत अच्छा, स्वीट सा सॉन्ग था ना. हाँ वही 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 अच्छा अमेबल सॉन्ग था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा अच्छा लगा सुनने के लिए. ब्यूटीफुल लोकेशन था, बहुत ही कम डांस देखने में मिला अर्जुन का. वही लगता है कि और करे तो अच्छा है. उनका जितना भी देखे ना कम लगता है, मतलब इतना थोड़ा किया तो अलग है. बहुत ही अच्छा है. एंड इसमें श्रुति हासन बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली. उनको ज्यादातर वो ये मिलता नहीं, हम बोल सकते क्या क्या बोल सकते रोल नहीं रोल नहीं लाइक अगर जैसे देख रेसगुर्रम मूवी में हम अल्लू अर्जुन का बात करेंगे, ब्रह्मानंदम सर का बात करेंगे. हाँ रिकग्निशन जो मिलना चाहिए वो मैं देखा हूँ बहुत कम बार मिलता है. कुछ कुछ मूवीज में मैं देखा हूँ कि एक्ट्रेस तो खिल के ऊपर आते हैं. तो ये वन ऑफ द मूवीज है जितना भी रोल है श्रुति हासन बहुत अच्छा की है. जिनका जो कैरेक्टर उनके हिसाब से वो प्रकाश राज जी के साथ भी देखो लास्ट का जो सीन सब था वो चेंज हुआ देख रहा है चेंज हो रही है बेटी. तो ये सीन भी बहुत अच्छा था वो हिसाब से है ना सोचने के लिए. उनका लग रहा बाद में कुछ होने वाला है शायद. हाँ वो अल्लू अर्जुन पे गुस्सा होकर शायद मेरे बेटी को चेंज कर दिया बोल के क्या पता. प्रकाश राज तीनों मूवी में है. हाँ क्या अभी रेसगुर्रम में है, बद्री में नंदा जी एंड पोखरी में भी. पोखरी में भी अरे अली भाई उसमें है ना. अरे वाह देखिए दोस्तों कोइंसिडेंस लाइक हम ये नहीं सोचे थे एक एक एक्टर तीनों में कॉमन है. तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम का है. वाह माफ़ पड़े प्रकाश जी वर्सटाइल एक्टर एंड सीजन एक्टर है पूरा. अरे वो भी एक अच्छा पॉइंट था फिर तो देखिए दोस्तों. सोचे ही नहीं कितना अलग अलग मूवीज में कौन एक एक्टर अलग अलग कैरेक्टर देखने मिलते हैं है ना. दोस्तों बहुत मजा आया ये सीन भी लाइक आई गेस फर्स्ट टाइम सॉन्ग मैं सुन रहा हूँ. तू भी शायद फर्स्ट टाइम ही सुन रही थी क्योंकि रेसगुर्रम में कोई एक दूसरा सॉन्ग बहुत ही शायद पॉपुलर है आई गेस. वो गाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है शायद ब्लॉकबस्टर या पता नहीं ऐसा कुछ एक सॉन्ग है. मुझे एक्चुअली वो सॉन्ग भी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बस मुझे पोस्टर बहुत अच्छा से याद है. वो बहुत ही डिफरेंट था कि एक वो श्रुति हासन भी है उसमें. वो ऐसा पोज था कि वो अल्लू अर्जुन एक डांस का पोज में लेटे हुए हैं एंड उसका ऊपर वो योगा पोज जैसा होता है ना बैठने का जो रिलैक्स पोज है उसमें श्रुति हासन बैठी है साड़ी पहन के. तो वो एक सीन मुझे जो एक्चुअली फोटो है मैं वो देखा हूँ तो मुझे वही याद है. गाना कौन सा था दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है. तो दोस्तों बहुत मजा आया देखने के लिए. टू गुड अच्छा सीन था. मूवी को एक्चुअली फॉरवर्ड लेके जा रहा है. अब हमको मालूम चलेगा कुछ कॉमेडी सीन तब क्या होने वाला है इसके बाद क्या होने वाला है. एंड तो फिर ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय.